मैं याद कराऊंगी चित्रा, मुझे विक्रम सिंह साहब बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात हमारे पुराने कर्म फरमा हैं और बहुत तजुर्बेकार लोग हैं वो, और समझदार आदमी हैं, तो उनसे वो खुद बताएंगे। इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसमें हमें झूठ बोलने का शौक नहीं है। बिना सर्च वारंट के आधी रात को 1 बजे के बाद पुलिस इतनी बड़ी तादाद में बिना परिवार को बताए क्या किसी घर में घुसकर तलाशी ले सकती है, जो आरोप लगा रहे हैं मुनव्वर साहब? विक्रम सिंह जी, चित्रा जी जरा गौर से सुने, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। मुनव्वर साहब एक अजीम शख्सियत हैं और बैनुल अक्वामी बिरादरी में और हिंदुस्तान में बहुत बहुत एक काबिले एहतराम उनकी एक हस्ती, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मुनव्वर साहब जरा गौर फरमाए, अगर मैं कल किसी मुशायरे में जाऊं तो शहर के अंडे टमाटर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शायरी मेरा मिजाज नहीं, ना शायरी मेरी लाइन है। इसी तरह कानून के साथ, तफ्तीश कुनंदा के साथ ताबुन करना हम सबका फर्ज है और पुलिस के लिए जरूरी नहीं है। सीआरपीसी में ये इसके प्रोविजंस हैं कि अगर ऐसे वजूहात हो तो वारंट की भी जरूरत नहीं है और बिना प्रायर नोटिस की भी जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस के साथ ताबुन करें, तफ्तीश कुनंदा के साथ ताबुन करें। वो आपके दोस्त हैं और आप खुद देखें कि महिला पुलिस भी उस दल के साथ थी, उनका कोई मकसद, आप न सिर्फ आवाम के बल्कि पुलिस के भी हर दिल अजीज हैं। वो सब बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आए थे क्योंकि वो एक जरूरियात थी। मैंने जिस फोर्स का नमक 36 साल खाया है, जिसकी सरपरस्ती 2.5 साल की है, उसी ने मेरे खिलाफ कत्ल का मुकदमा और एसटीएफ खिलाफ कत्ल का मुकदमा लिखा, लेकिन उसकी तफ्तीश के बाद मैं आपके सामने बेगुनाह सामने बैठा हूं। सरकार की मुखालिफत मैं इस पे चैनल पर, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, जो मुझे बात पसंद नहीं आई उन्नाव की, हाथरस की, मैंने खुल की उसकी नुक्ताचीनी की है इसी चैनल पे बैठ के। लेकिन मैं जानता हूं कि ये मेरा हक है, फंडामेंटल राइट है। मैं किसी की अपनी बुनियाद, कानून की बुनियाद पे, इंसाफ की बुनियाद पर मैं किसी की भी नुक्ताचीनी कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है और मैंने किया, लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। मुनव्वर साहब, आप एक बार अपनी शख्सियत को देखते हुए, उसके मद्देनजर मेरा एक मशवरा होगा, एक बार पुलिस को अर्ज हालात आप कर दें कि ये हालात है तबरेज की, ये बारे में है, इसकी साफगोई से तफ्तीश कर ली जाए। अगर आप मुतमईन नहीं है बराए बरेली की तफ्तीश कुरिंदा से, आप कह सकते हैं कि सीबीसीआईडी से करवा लें, लखनऊ से किसी महिला ऑफिसर से करवा लें, लेकिन पुलिस के साथ ताबून करना ये हमारे आपके हक में ही रहेगा। और रही बात इसकी, ये किसी की औकात नहीं है कि आप बेहुरमती करे, आपकी बेइज्जती करे। आपने आज भी मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी में काश में दिखा पाता, जो किताबें आपने अपनी वालदा, अपने वालदेन के बारे में लिखा था, आपके हाथ से लिखे हुए अल्फाज आज भी मैं कलेजे से लगा के रखता हूं। आपकी बड़ी इज्जत है सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस बड़ी टकटकी लगा करके उम्मीद करती है कि आप उसके साथ ताबून करेंगे और सबूत और अपनी हिफाजत आप उनके सामने पेश करें। आप सर बोले मुनव्वर साहब, सर आप यकीन कीजिए, मैं खुदा को, कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है कि गवाह।